चौदाहवा अध्याय ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति ब्रह्मा जी ने स्तुति की प्रभो एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं आपका यह शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान शामल है इस पर स्थिर बिजली के समान झिलमिल झिलमिल करता हुआ पीताम्बर शोभा पाता है आपके गले में घुची की माला कानों में मकराकृत कुंडल तथा सिर पर मोर पंखों का मुकुट है इन सब की कांति से आपके मुख पर अनोखी छटा छिटक रही है वक्षस्थल पर लटकती हुई वनमाला और नन्ही सी हथेली पर दही भात का कौर बगल में बेंत और सिंगी तथा कमर की फेंट में आपकी पहचान बताने वाली बांसुरी शोभा पा रही है आपके कमल से सुकोमल परम सुकुमार चरण और यह गोपाल बालक का वेश मैं और कुछ नहीं जानता बस मैं तो इन्हीं चरणों पर निछावर हूं स्वयं प्रकाश परमात्मन आपका यह श्री विग्रह भक्त जनों की लालसा अभिलाषा पूर्ण करने वाला है यह आपकी चिन्मयी इच्छा का मूर्तिमान स्वरूप मुझ पर आपका साक्षात कृपा प्रसाद है मुझे अनुग्रहित करने के लिए ही आपने इसे प्रकट किया है कौन कहता है कि यह पंचभूतों की रचना है प्रभो यह तो अप्राकृत शुद्ध सत्वमय है मैं या और कोई समाधि लगाकर भी आपके सच्चिदानंद विग्रह की महिमा नहीं जान सकता फिर आत्मानंदानुभव स्वरूप साक्षात आपकी ही महिमा को तो कोई एकाग्र मन से भी कैसे जान सकता है प्रभो जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न न करके अपने स्थान में ही स्थित रहकर केवल सत्संग करते हैं और आपके प्रेमी संत पुरुषों के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथा का जो उन लोगों के पास रहने से अपने आप सुनने को मिलती है शरीर, वाणी और मन से होकर सेवन करते हैं यहां तक कि उसे ही अपना जीवन बना लेते हैं उसके बिना जी ही नहीं सकते प्रभु यद्यपि आप पर त्रिलोकी में कभी कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता फिर भी वे आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं आप उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं भगवान आपकी भक्ति सब प्रकार के कल्याण का मूल स्रोत उद्गम है जो लोग उसे छोड़कर केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रम उठाते और दुख भोगते हैं उनको बस क्लेश ही क्लेश हाथ लगता है और कुछ नहीं जैसे थोथी भूसी कूटने वाले को केवल श्रम ही मिलता है चावल नहीं हे अच्युत हे hey अनंत इस लोक में पहले भी बहुत से योगी हो गए हैं जब उन्हें योगादि के द्वारा आपकी प्राप्ति न हुई तब उन्होंने अपने लौकिक और वैदिक समस्त कर्म आपके चरणों में समर्पित कर दिए उन समर्पित कर्मों से तथा आपकी लीला कथा से उन्हें आपकी भक्ति प्राप्त हुई उस भक्ति से ही आपके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने बड़ी सुगमता से आपके परम पद की प्राप्ति कर ली हे अनंत आपके सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपों का ज्ञान कठिन होने पर भी निर्गुण स्वरूप की महिमा इंद्रियों का प्रत्याहार करके शुद्धांतकरण से जानी जा सकती है जानने की प्रक्रिया यह है कि विशेष आकार के परित्याग पूर्वक आत्माकार अंतकरण का साक्षात्कार किया जाए यह आत्माकारता घटपटादी रूप के समान गेय नहीं है प्रत्युत आवरण का भंग मात्र है यह साक्षात्कार यह ब्रह्म है मैं ब्रह्म को जानता हूं इस प्रकार नहीं किंतु स्वयं प्रकाश रूप से ही होता है परंतु भगवन, जिन समर्थ पुरुषों ने अनेक जन्मों तक परिश्रम करके पृथ्वी का एक एक परमाणु आकाश के हिमकण अर्थात उसकी बूंदे तथा उसमें चमकने वाले नक्षत्र एवं तारों तक को गिन डाला है उनमें भी भला ऐसा कौन हो सकता है जो आपके सगुण स्वरूप के अनंत गुणों को गिन सके प्रभो आप केवल संसार के कल्याण के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं सो भगवान आपकी महिमा का ज्ञान तो बड़ा ही कठिन है इसलिए जो पुरुष क्षण क्षण पर बड़ी उत्सुकता से आपकी कृपा का ही भली भांति अनुभव करता रहता है और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख या दुख प्राप्त होता है उसे निर्विकार मन से भोग लेता है एवं जो प्रेम पूर्ण हृदय गदगद वाणी और पुलकित शरीर से अपने को आपके चरणों में समर्पित करता रहता है इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ठीक वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है जैसे अपने पिता की संपत्ति का पुत्र प्रभो मेरी कुटिलता तो देखिए आप अनंत आदि पुरुष परमात्मा हैं और मेरे जैसे बड़े बड़े मायावी भी आपकी माया के चक्र में हैं। फिर भी मैंने आप पर अपनी माया फैलाकर अपना ऐश्वर्य देखना चाहा। प्रभु मैं आपके सामने हूं ही क्या क्या आग के सामने चिंगारी की भी कुछ गिनती है भगवान मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूं आपके स्वरूप को मैं ठीक ठीक नहीं जानता इसी से अपने को आपसे अलग संसार का स्वामी माने बैठा था मैं अजन्मा जगत करता हूं इस मायाकृत मोह के घने अंधकार से मैं अंधा हो रहा था इसलिए आप यह समझकर कि यह मेरे ही अधीन है मेरा भृत्य है इस पर कृपा करनी चाहिए मेरा अपराध क्षमा कीजिए मेरे स्वामी प्रकृति महत्त्व, अहंकार आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी रूप आवरणों से घिरा हुआ यह ब्रह्मांड ही मेरा शरीर है और आपके एक एक रोम के छिद्र में ऐसे ऐसे अगणित ब्रह्मांड उसी प्रकार उड़ते पड़ते रहते हैं जैसे झरोखे की जाली में से आने वाली सूर्य की किरणों में रज के छोटे छोटे परमाणु उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं कहा अपने परिमाण से साढ़े तीन हाथ के शरीर वाला अत्यंत मैं, और कहा आपकी अनंत महिमा वृत्तियों की पकड़ में न आने वाले परमात्मन जब बच्चा माता के पेट में रहता है तब अज्ञानवश अपने हाथ पैर पीटता है परंतु क्या माता उसे अपराध समझती है या उसके लिए वह कोई अपराध होता है है और नहीं है इन शब्दों से कही जाने वाली कोई भी वस्तु ऐसी है क्या जो आपकी कोख के भीतर न हो श्रुतियां कहती हैं कि जिस समय तीनों लोग प्रलयकालीन जल में लीन थे उस समय उस जल में स्थित श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ उनका यह कहना किसी प्रकार असत्य नहीं हो सकता तब आप ही बतलाइए प्रभो क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूं प्रभो आप समस्त जीवों के आत्मा हैं इसलिए आप नारायण नार अर्थात जीव और अयन अर्थात आश्रय हैं। आप समस्त जगत के और जीवों के अधीश्वर हैं इसलिए आप नारायण अर्थात नार जीव और अयन प्रवर्तक हैं। आप समस्त लोगों के साक्षी हैं इसलिए भी नारायण नार अर्थात जीव और अयन अर्थात जानने वाला है नर से उत्पन्न होने वाले जल में निवास करने के कारण जिन्हें नारायण नार अर्थात जल और अयन अर्थात निवास स्थान कहा जाता है वे भी आपके एक अंश ही हैं। वह अंश रूप से दिखना भी सत्य नहीं है आपकी माया ही है भगवान यदि आपका वह विराट स्वरूप सचमुच उस समय जल में ही था तो मैंने उसी समय उसे क्यों नहीं देखा जबकि मैं कमल नाल के मार्ग से उसे सौ वर्ष तक जल में ढूंढता रहा फिर मैंने जब तपस्या की तब उसी समय मेरे हृदय में उसका दर्शन कैसे हो गया और फिर कुछ ही क्षणों में वह पुनः क्यों नहीं दिखा अंतर्धान क्यों हो गया माया का नाश करने वाले प्रभो दूर की बात कौन करे अभी इसी अवतार में आपने इस बाहर दिखने वाले जगत को अपने पेट में ही दिखला दिया जिसे देखकर माता यशोदा चकित हो गई थी इससे यही तो सिद्ध होता है कि यह संपूर्ण विश्व केवल आपकी माया ही माया है जब आपके सहित यह संपूर्ण विश्व जैसा बाहर दिखता है वैसा ही आपके उदर में भी दिखा तब क्या यह सब आपकी माया के बिना ही आप में प्रतीत हुआ अवश्य ही आपकी लीला है उस दिन की बात जाने दीजिए आज की ही लीजिए क्या आज आपने मेरे सामने अपने अतिरिक्त संपूर्ण विश्व को अपनी माया का खेल नहीं दिखलाया है पहले आप अकेले थे फिर संपूर्ण ग्वाल बाल बछड़े और छड़ी छीके भी आप ही हो गए उसके बाद मैंने देखा कि आपके वे सब रूप चतुर्भुज हैं और मेरे सहित सबके सब तत्व उनकी सेवा कर रहे हैं आपने अलग अलग उतने ही ब्रह्मांडों का रूप भी धारण कर लिया था परंतु अब आप केवल अपरिमित अद्वितीय ब्रह्म रूप से ही शेष रह गए हैं जो लोग अज्ञानवश आपके स्वरूप को नहीं जानते उन्हीं को आप प्रकृति में स्थित जीव के रूप से प्रतीत होते हैं और उन पर अपनी माया का पर्दा डालकर सृष्टि के समय मेरे ब्रह्मा रूप से पालन के समय अपने विष्णु रूप से और संहार के समय रुद्र के रूप में प्रतीत होते हैं प्रभो आप सारे जगत के स्वामी और विधाता हैं। अजन्मा होने पर भी आप देवता ऋषि मनुष्य पशु पक्षी और जलचर आदि योनियों में अवतार ग्रहण करते हैं इसलिए कि इन रूपों के द्वारा दुष्ट पुरुषों का घमंड तोड़ दें और पुरुषों पर अनुग्रह करें भगवान आप अनंत परमात्मा और योगेश्वर हैं जिस समय आप अपनी योग माया का विस्तार करके लीला करने लगते हैं उस समय त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो यह जान सके कि आपकी लीला कहा किस लिए कब और कितनी होती है इसलिए यह संपूर्ण जगत स्वप्न के समान असत्य अज्ञान रूप और दुख पर दुख देने वाला है आप परमानंद परम ज्ञान स्वरूप एवं अनंत हैं। यह माया से उत्पन्न एवं विलीन होने पर भी आप में आपकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होता है प्रभो आप ही एकमात्र सत्य हैं, क्योंकि आप सबके आत्मा जो हैं। आप पुराण पुरुष होने के कारण समस्त जन्मादि विकारों से रहित हैं आप स्वयं प्रकाश हैं इसलिए देश काल और वस्तु जो पर प्रकाश हैं, किसी प्रकार आपको सीमित नहीं कर सकते आप उनके भी आदि प्रकाशक हैं आप अविनाशी होने के कारण नित्य हैं आपका आनंद अखंडित है आप में न तो किसी प्रकार का मल है और न अभाव आप पूर्ण एक हैं समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण आप अमृत स्वरूप हैं। आपका यह ऐसा स्वरूप समस्त जीवों का ही अपना स्वरूप है जो गुरु रूप सूर्य से तत्व ज्ञान रूप दिव्य दृष्टि प्राप्त करके उससे आपको अपने स्वरूप के रूप में साक्षात्कार कर लेते हैं वे इस झूठे संसार सागर को मानो पार कर जाते हैं संसार सागर के झूठा होने के कारण इससे पार जाना भी अविचार दशा की दृष्टि से ही है जो पुरुष परमात्मा को आत्मा के रूप में नहीं जानते उन्हें उस अज्ञान के कारण ही इस नाम रूपात्मक निखिल प्रपंच की उत्पत्ति का भ्रम हो जाता है किंतु ज्ञान होते ही इसका आत्यंतिक प्रलय हो जाता है जैसे रस्सी में भ्रम के कारण ही सांप की प्रतीति होती है और भ्रम के निवृत्त होते ही उसकी निवृत्ति हो जाती है संसार संबंधी बंधन और उससे मोक्ष ये दोनों ही नाम अज्ञान से कल्पित हैं वास्तव में ये अज्ञान के ही दो नाम हैं। ये सत्य और ज्ञान स्वरूप परमात्मा से भिन्न अस्तित्व नहीं रखते जैसे सूर्य में दिन और रात का भेद नहीं है वैसे ही विचार करने पर अखंड चित्त स्वरूप केवल शुद्ध आत्म तत्व में न बंधन है और न तो मोक्ष भगवान कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपने आत्मा पर लोग आपको पराया मानते हैं और शरीर आदि हैं पराए किंतु उनको आत्मा मान बैठते हैं और इसके बाद आपको कहीं अलग ढूंढने लगते हैं भला अज्ञानी जीवों का यह कितना बड़ा अज्ञान है हे अनंत आप तो सबके अंतकरण में ही विराजमान हैं इसलिए संत लोग आपके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका परित्याग करते हुए अपने भीतर ही आपको ढूंढते हैं क्योंकि यद्यपि रस्सी में सांप नहीं है फिर भी उस प्रतीयमान सांप को मिथ्या निश्चय किए बिना भला कोई सत्पुरुष सच्ची रस्सी को कैसे जान सकता है अपने भक्त जनों के हृदय में स्वयं स्प्रत होने वाले भगवान आपके ज्ञान का स्वरूप और महिमा ऐसी ही है उससे अज्ञान कल्पित जगत का नाश हो जाता है फिर भी जो पुरुष आपके युगल चरण कमलों का तनिक सा भी कृपा प्रसाद प्राप्त कर लेता है उससे अनुग्रहित तो हो जाता है वही आपकी सच्चिदानंदमयी महिमा का तत्व जान सकता है दूसरा कोई भी ज्ञान वैराग्यादि साधन रूप अपने प्रयत्न से बहुत काल तक कितना भी अनुसंधान करता रहे वह आपकी महिमा का यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता इसलिए भगवान मुझे इस जन्म में दूसरे जन्म में अथवा किसी पशु पक्षी आदि के जन्म में भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं आपके दासों में से कोई एक दास हो जाऊं और फिर आपके चरण कमलों की सेवा करूं मेरे स्वामी जगत के बड़े बड़े यज्ञ सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक आपको पूर्णतः तृप्त न कर सके परंतु आपने व्रज की गायों और ग्वालिनों के बछड़े एवं बालक बनकर उनके स्तनों का अमृत सा दूध बड़े उमंग से पिया है वास्तव में उन्हीं का जीवन सफल है वे ही अत्यंत धन्य हैं। अहो नंद आदि व्रजवासी गोपों के धन्य भाग्य हैं वास्तव में उनका अहोभाग्य है क्योंकि परमानंद स्वरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्म आप उनके अपने सगे संबंधी और सुहृद हैं हे अच्युत इन व्रजवासियों के सौभाग्य की महिमा तो अलग रही मन आदि ग्यारह इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता के रूप में रहने वाले महादेव आदि हम लोग बड़े ही भाग्यवान हैं क्योंकि इन व्रजवासियों की मन आदि ग्यारह इंद्रियों को प्याले बनाकर हम आपके चरण कमलों का अमृत से भी मीठा मदिरा से भी मादक मधुर मकरंद रस पान करते रहते हैं जब उसका एक एक इंद्रिय से पान करके हम धन्य धन्य हो रहे हैं तब समस्त इंद्रियों से उसका सेवन करने वाले व्रजवासियों की तो बात ही क्या है प्रभो इस व्रज भूमि के किसी वन में और विशेष करके गोकुल में किसी भी योनि में जन्म हो जाए यही हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी क्योंकि यहां जन्म हो जाने पर आपके किसी न किसी प्रेमी के चरणों की धूल अपने ऊपर पड़ ही जाएगी प्रभु आपके प्रेमी व्रजवासियों का संपूर्ण जीवन आपका ही जीवन है आप ही उनके जीवन के एकमात्र सर्वस्व हैं इसलिए उनके चरणों की धूली मिलना आपके ही चरणों की धूली मिलना है और आपके चरणों की धूली को तो श्रुतियां भी अनादिकाल से अब तक ढूंढ ही रही हैं देवताओं के भी आराध्य देव प्रभो इन व्रजवासियों को इनकी सेवा के बदले में आप क्या फल देंगे संपूर्ण फलों के फलस्वरूप आपसे बढ़कर और कोई फल तो है ही नहीं यह सोचकर मेरा चित्त मोहित हो रहा है आप उन्हें अपना स्वरूप भी देकर नहीं हो सकते क्योंकि आपके स्वरूप को तो उस पूतना ने भी अपने संबंधियों अघासुर बकासुर आदि के साथ प्राप्त कर लिया जिसका केवल वेश ही साध्वी स्त्री का था पर जो हृदय से महान क्रूर थी फिर जिन्होंने अपने घर धन स्वजन प्रिय शरीर पुत्र प्राण और मन सब कुछ आपके ही चरणों में समर्पित कर दिया है जिनका सब कुछ आपके ही लिए है उन व्रजवासियों को भी वही फल देकर आप कैसे उण हो सकते हैं सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर तभी तक राग द्वेष आदि दोष चोरों के समान सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं तभी तक घर और उसके संबंधी कैद की तरह संबंध के बंधनों में बांध रखते हैं और तभी तक मोह पैर की बेड़ियों की तरह जकड़े रखता है जब तक जीव आपका नहीं हो जाता प्रभो आप विश्व के बखेड़े से सर्वथा रहित हैं फिर भी अपने शरणागत भक्त जनों को अनंत आनंद वितरण करने के लिए पृथ्वी में अवतार लेकर विश्व के समान ही लीला विलास का विस्तार करते हैं मेरे स्वामी बहुत कहने की आवश्यकता नहीं जो लोग आपकी महिमा जानते हैं वे जानते रहे मेरे मन वाणी और शरीर तो आपकी महिमा जानने में सर्वथा असमर्थ है सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप सबके साक्षी हैं इसीलिए आप सब कुछ जानते हैं आप समस्त जगत के स्वामी हैं यह संपूर्ण प्रपंच आप में ही स्थित है आपसे मैं और क्या कहूं अब आप मुझे स्वीकार कीजिए मुझे अपने लोक में जाने की आज्ञा दीजिए सबके मन प्राण को अपनी रूप माधुरी से आकर्षित करने वाले श्याम सुंदर आप यदुवंश रूप कमल को विकसित करने वाले सूर्य हैं प्रभो पृथ्वी देवता ब्राह्मण और पशु रूप समुद्र की अभिवृद्धि करने वाले चंद्रमा भी आप ही हैं आप पाखंडियों के धर्म रूप का घोर अंधकार नष्ट करने के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों के ही समान है पृथ्वी पर रहने वाले राक्षसों के नष्ट करने वाले आप चंद्रमा सूर्य आदि समस्त देवताओं के भी परम पूजनीय है भगवान मैं अपने जीवन भर महाकल्प पर्यंत आपको नमस्कार ही करता रहूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित संसार के रचयिता ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की इसके बाद उन्होंने तीन बार परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर अपने गंतव्य स्थान सत्यलोक में चले गए ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वाल बालों को पहले ही यथास्थान पहुंचा दिया था भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को विदा कर दिया और बछड़ों को लेकर यमुना जी के पुलिन पर आए जहां वे अपने सखा ग्वाल बालों को पहले छोड़ गए थे परीक्षित अपने जीवन सर्वस्व प्राणवल्लभ श्री कृष्ण के वियोग में यद्यपि एक वर्ष बीत गया था तथापि उन ग्वाल बालों को वह समय आधे क्षण के समान जान पड़ा क्यों न हो वे भगवान की विश्व मोहिनी योग माया से मोहित जो हो गए थे जगत के सभी जीव उसी माया से मोहित होकर शास्त्र और आचार्यों के बार बार समझाने पर भी अपने आत्मा को निरंतर भूले हुए हैं वास्तव में उस माया की ऐसी ही शक्ति है भला उससे मोहित होकर जीव यहां क्या क्या नहीं भूल जाते हैं परीक्षित भगवान श्री कृष्ण को देखते ही ग्वाल बालों ने बड़ी उतावली से कहा भाई तुम भले आए स्वागत है स्वागत अभी तो हमने तुम्हारे बिना एक कौर भी नहीं खाया है आओ इधर आओ आनंद से भोजन करो तब हंसते हुए भगवान ने ग्वाल बालों के साथ भोजन किया और उन्हें अघासुर के शरीर का ढांचा दिखाते हुए वन से व्रज में लौट आए श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख का मनोहर मुकुट और घुंघराले बालों में सुंदर सुंदर महंग महंग महकते हुए पुष्प गुथ रहे थे नई नई रंगीन धातुओं से श्याम शरीर पर चित्रकारी की हुई थी वे चलते समय रास्ते में उच्च स्वर से कभी बांसुरी कभी पत्ते और कभी सिंगी बजाकर वाद्योत्सव में मग्न हो रहे हैं पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान करते जा रहे हैं कभी वे नाम ले लेकर अपने बछड़ों को पुकारते तो कभी उनके साथ लाड़ लड़ाने लगते मार्ग के दोनों ओर गोपियां खड़ी हैं जब वे कभी तिरछे नेत्रों से उनकी नजर में नजर मिला देते हैं तब गोपियां आनंद मुग्ध हो जाती हैं इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोष्ठ में प्रवेश किया परीक्षित उसी दिन बालकों ने व्रज में जाकर कहा कि आज यशोदा मैया के लाडले नंद नंदन ने वन में एक बड़ा भारी अजगर मार डाला है और उससे हम लोगों की रक्षा की है राजा परीक्षित ने कहा ब्राह्मण व्रजवासियों के लिए श्री कृष्ण अपने पुत्र नहीं थे दूसरे के पुत्र थे फिर उनका श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम कैसे हुआ ऐसा प्रेम तो उनका अपने बालकों पर भी पहले कभी नहीं हुआ था आप कृपा करके बतलाइए इसका क्या कारण है श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन संसार के सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं पुत्र से धन से या और किसी से जो प्रेम होता है वह तो इसलिए कि वे वस्तुएं अपने आत्मा को प्रिय लगती हैं राजेंद्र यही कारण है कि सभी प्राणियों का अपनी आत्मा के प्रति जैसा प्रेम होता है वैसा अपने कहलाने वाले पुत्र धन और गृह आदि में नहीं होता नृपश्रेष्ठ जो लोग देह को ही आत्मा मानते हैं वे भी अपने शरीर से जितना प्रेम करते हैं उतना प्रेम शरीर के संबंधी पुत्र मित्र आदि से नहीं करते जब विचार के द्वारा यह मालूम हो जाता है कि यह शरीर मैं नहीं हूं यह शरीर मेरा है तब इस शरीर से भी आत्मा के समान प्रेम नहीं रहता यही कारण है कि इस देह के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर भी जीने की आशा प्रबल रूप से बनी रहती है इससे यह बात सिद्ध होती है कि सभी प्राणी अपनी आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं और उसी के लिए इस सारे चराचर जगत से भी प्रेम करते हैं इन श्री कृष्ण को ही तुम सब आत्माओं का आत्मा समझो संसार के कल्याण के लिए ही योग माया का आश्रय लेकर वे यहां देहधारी के समान जान पड़ते हैं जो लोग भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं उनके लिए तो इस जगत में जो कुछ भी चराचर पदार्थ हैं अथवा इससे परे परमात्मा ब्रह्म नारायण आदि जो भगवत स्वरूप हैं सभी श्री कृष्ण स्वरूप ही हैं श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई प्राकृत अप्राकृत वस्तु है ही नहीं सभी वस्तुओं का अंतिम रूप अपने कारण में स्थित होता है उस कारण के भी परम कारण हैं भगवान श्री कृष्ण तब भला बताओ किस वस्तु को श्री कृष्ण से भिन्न बतलाएं? जिन्होंने पुण्य कीर्ति मुकुंद मुरारी के पद पल्लव की नौका का आश्रय लिया है जो कि सत्पुरुषों का सर्वस्व है उनके लिए यह भव सागर बछड़े के खुर के गढ़े के समान है उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है और उनके लिए विपत्तियों का निवास स्थान यह संसार नहीं रहता परीक्षित तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान के पांचवें वर्ष की लीला ग्वाल बालों ने छठे वर्ष में कैसे कही उसका सारा रहस्य मैंने तुम्हें बतला दिया भगवान श्री कृष्ण की ग्वाल बालों के साथ वन क्रीड़ा अघासुर को मारना हरी हरी घास से युक्त भूमि पर बैठकर भोजन करना अप्राकृत रूपधारी बछड़ों और ग्वाल बालों का प्रकट होना और ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई इस महान स्तुति को जो मनुष्य सुनता और कहता है उस उसको धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है परीक्षित इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम ने कुमार अवस्था के अनुरूप आंख मिचौनी सेतु बंधन बंदरों की भांति उछलना कूदना आदि अनेकों लीलाएं करके अपनी कुमार अवस्था व्रज में ही त्याग दी